अच्छा मुकेश, हम जैसे बात करते आ रहे हैं, अभी हमने डाइट्स के ऊपर 3-4 बार बता दिया। हाँ जी अभी रिसेंट हमने डाला है कि सप्लीमेंट एंड डाइट फॉर साइज गेन। हाँ जी अभी साइज गेन की एक ये बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, जो कि हम बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का ये है कि हम साइज गेन में सबसे पहला एक काम आता है कि हम कौन सा कॉम्बिनेशन करें बॉडी का, ये जी बड़ी बात है ना, है ना। हाँ जैसे मंडे है, दो पार्ट करें या सिंगल करें, कई कई बच्चे सिंगल को पसंद करते हैं, तो अभी हमें करना है। और इसमें सेट्स कितने और रैप कितने, ये बहुत जरूरी है, और बिटवीन सेट्स रेस्ट कितना, जी ये हम बता भी चुके हैं लेकिन फिर दोबारा बता रहे हैं ये। हाँ तो जो डबल पार्ट है जी, ज़्यादातर बच्चों के लिए वही बेस्ट है। सिंगल पार्ट उन लोगों के लिए है जिनका बहुत ट्रेनिंग टफ टफ करते हैं हैवी और ड्यूटी करते रिकवरी करने में टाइम लगता है, मसल हैं। 4 दिन 5 दिन हाँ फेल हाँ करता है, हाँ उनके लिए सिंगल पार्ट है। जी जिसका मसल तीसरे दिन ओके हो जाता है, वो अपना रिपीट करे उसको। बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, चेस्ट ट्राइसेप भी या चेस्ट बैक, वो चेस्ट दोनों भी ट्राइसेप कर लिया, बैक बाइसेप कर बैक लिया, बाइसेप कर थोड़े लिया, और छः हफ्ते इसको कर लिया, दोबारा स्विच कर लो फिर तो उसको चेंज कर लो जी। कॉम्बिनेशन को, कभी हाँ चेस्ट हाँ ट्राइसेप, बैक बाइसेप और लेग शोल्डर, फिर कभी चेस्ट बैक हाँ जी बाइसेप ट्राइसेप और बैक शोल्डर हाँ, शोल्डर एंड तो बड़ी यूज्ड हो जाती है हाँ फिर लोगों के लेग्स लेग्स लिए। एंड शोल्डर, हाँ जी वो यूज्ड हो जाती है, थोड़े थोड़े दिन आपको फर्क भी पता लग जाएगा। एक बड़ा पॉइंट है, जब भी मैं ये बोलता हूँ कि जब आपको फर्क लगे किसी भी कॉम्बिनेशन में जो आप कर रहे हो, और आपको कोई चीज़ टेस्टी लगती है, कपड़ा जैसे मैंने शर्ट है वो मुझे अच्छी लगती है, तो उसको मैं 2 बार और पहनता हूँ। ऐसे ही अपने शेड्यूल को भी, जी अगर आपको ये वो जी इफेक्टिव लगता है अफेक्टिव तो लग रहा है तो उसको 2 हफ्ते और चलने ले दो। जाओ। हाँ जी हाँ जी अच्छा हमने सेट्स कितने करे, चार सेट, जो सेट्स पहली एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें 4 से 6 सेट भी जा सकते हैं, 2 सेट आपके वार्म अप हो वार्म जाएंगे। अप हो गए, हाँ और जो वर्किंग सेट है 3 से 4 सेट वो करने ही करना वो है। कितने कितने परसेंट, पहले 60-70 फिर 70-80 टारगेट ये रखे कि हमारा 12-13 मैक्सिमम 14 रेप में मसल फेल हो जाए, फिर, इतना वेट हो जो वर्किंग सेट है। और उसमें हेल्प तो नहीं अभी लेने, हेल्प नहीं, जब हम बोलते हैं हैवी वेट करो तो हैवी वेट का मतलब समझते हैं 150 किलो डालना, 150 किलो डालना और हेल्प लेनी बस है, बस वो वही गलत मैं बता रहा हूं। है। हैवी वेट आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि आप अगर आपको कोई दूसरा वेट उठा रहा है तो आप हमेशा लोन पे ही रहोगे, आपको कोई पैसे दिए जा रहे हैं आप खुश हुए जा रहे हो, आपने हाँ। अपना तो कुछ किया नहीं। जी अच्छा हमें हफ्ते में मंडे वेडनेस मंडे जो और मंडे आएगी वो थर्सडे को रिपीट थर्सडे को होगी। रिपीट हो जाएगी, जी ट्यूसडे वाली फ्राइडे को, हाँ जी और फिर वेडनेसडे वाली सैटरडे को। हाँ हाँ और बेस्ट रहेगा शुरुआत करें चेस्ट एंड बैक, जी ठीक है, हाँ चेस्ट हाँ एंड बैक, अपोजिट मसल ग्रुप है वो, जैसे चेस्ट के बाद हम बैक करें चेस्ट रिलैक्स हो जाता फिर है। बाइसेप ट्राइसेप पे आ जाओ, हाँ जी फिर लेग्स एंड शोल्डर पे, जी और 4-4 सेट लें, 4-4 सेट वर्किंग सेट जो वर्किंग में, और 1-2 सेट वार्म अप के जरूर लें, पहली एक्सरसाइज में जरूर, वो जरूरी है, क्योंकि हाँ आप एकदम लोड से मत शुरू करो। हाँ 100% वो हर एक एक्सरसाइज में वार्म अप सेट से शुरू करते हैं, वो भी जरूरी नहीं है। और रेस्ट डेढ़ से दो मिनट 1.5 से 2 मिनट, जिसका स्टेमिना अच्छा है वो जल्दी रिकवर कर लेता हाँ, है, और जिसका नहीं है वो 2-2.5 मिनट भी और लग बीच सकता बीच है में कुछ फ्रूट्स भी खा सकते हो आप, जी थोड़ा बहुत कभी केला रिकवरी के खा लिए। लिया, कभी सेब खा लिया हाँ रिकवरी के लिए, बिकॉज व्हेन यू आर गेनिंग यू नीड योर मसल, जब आप ट्रेनिंग करते हो आपके बहुत मिनरल्स लूज हो जाते हैं, एंड यू आर ऑन गेनिंग यू मस्ट नीड बिटवीन द सेट्स, कभी थोड़ा ग्लूकोन पी लिया या कुछ पी लिया, हाँ जी थोड़ा फ्रूट्स खा लिया, केला खा लिया हाँ हाँ आधी ट्रेनिंग 2-3 सेट करने जी के जी बाद। बिल्कुल और लेकिन मैंने एक बात देखी है, जाए जिसको हम बोलते हैं ना आप थोड़ा ग्लूकोन सी और ये बीच में लो, वो हर सेट के बाद शुरू हो वो फिर जाता, पीता ही रहता वो है। पीता ही रहता है, वो फिर कहता है मेरा पेट आ गया। हाँ भैया इतना भी नहीं, वो एक एडिक्शन मत बनाओ किसी चीज को, एवरी टाइम यू मस्ट इंजॉय द थिंग्स, फिर इतना शुगर अंदर जाएगा वो स्ट्रेंथ को गिराता है जी। फिर और लोड भी हाँ साला टमी पे आएगा ही आएगा, जब हाँ आप पीते ही जाओगे पीते हाँ ही जी जाओ। सो ऑलवेज इंजॉय, नेवर फील, दिमाग पे कभी लोड मत डालो। ये हमने बता दिया है कि इतने इतने सेट लेने हैं, रेस्ट टाइमिंग बिटवीन द सेट्स 1.5 से 2 मिनट काफी है जी। ठीक है, हाँ और 10 से 12 रैप्स, और फेलियर पे जाना है हर बार, हाँ कम से कम 7-8 रैप तो सेल्फ आने ही चाहिए। आना ही है, बिल्कुल आने हैं, 100% आने हैं। और जो हेल्प वाला भी है ना, वो सिर्फ आपको साइकोलॉजिकल हेल्प लगाए, यूं पकड़ के नहीं, यूं पकड़ के नहीं, वो गलत है। तो इसके लिए आपको अभी पता लग गया, क्लियर हो गया, मंडे और थर्सडे सेम ट्रेनिंग, सेम ट्रेनिंग, ट्यूसडे और फ्राइडे सेम ट्रेनिंग, और वेडनेसडे और सैटरडे सेम ट्रेनिंग, हाँ जी और चेस्ट बैक बाइसेप ट्राइसेप लेग शोल्डर, कभी चेस्ट ट्राइसेप
4-5-6 हफ्ते के बाद थोड़ा चेंज कर सकते हैं। चेस्ट ट्राइसेप, बैक बाइसेप और लेग शोल्डर, ऐसे आप कर सकते। 6 दिन ट्रेनिंग करें, बीच में 2 दिन अपना कार्डियो और एब्डोमिन भी साथ में करें। हाँ, वैसे भी गेनिंग में हेल्प करता है, गेनिंग में हेल्प करता है थोड़ा। आप जब अभी ये बड़े क्वेश्चन है कि जब हम गेनिंग कर रहे हैं, हम हिले भी ना, डुले भी ना, भैया थोड़ी बहुत इंटरनल आर्टरीज को भी आपको पंप करना है और एक्सरसाइज देनी है। तो यही है, आपके साथ शेयर करते रहेंगे आगे आगे, आप देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, आप हमें सब्सक्राइब करते हो, देखते हो, इसमें अपना एक्सपीरियंस हम देते हैं, बाकी आपकी लाइकिंग है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, जीते रहो।